बेटा शेख चिल्ली जी। अम्मी जान। बेटा ये लो पैसे और दुकान से जाकर जलेबियां ले आओ। लाओ अम्मी जान पैसे, मैं नू गया नू आया। और सुनो। बतलाओ अम्मी जान। जलेबियां खा कर लाना। ठीक है अम्मी जान, खा कर ही लाऊंगा। हाँ पता नहीं हलवाई कैसी कैसी जलेबियां रखे रखते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करो अम्मी जान। अम्मी नू कह रही थी कि जलेबियां खा कर लाना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अम्मी जान नाराज हो जाएंगे। ठीक है, जैसा अम्मी ने कहा है वैसा ही करूंगा। अम्मी जान लो जलेबियां। ले आया बेटा। हाँ अम्मी जान लो, मजे से खाओ। क्यों रे, इसमें तो बस एक ही जलेबी है। मैंने तुझे दो पैसे दिए थे, दुकानदार ने बस एक ही जलेबी दी है। नहीं तो अम्मी जान, दुकानदार ने तो बहुत सारी जलेबियां दी थी। फिर बाकी जलेबियां कहाँ हैं? मैंने खा ली। तूने खा ली? हाँ अम्मी जान, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। तुमने कहा था जलेबियां खा कर ही लाना, तो मैं जलेबियां खा कर ही लाया हूँ। अब इसमें एक ही जलेबी बची है, तो इसमें मेरी क्या कमी? अरे कलमुए, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था जलेबियां खरीदने से पहले खा कर देख लेना, कहीं खराब तो नहीं है। अम्मी गलती हो गई, माफ कर दो, आगे ऐसा नहीं करूँगा। एक बात ध्यान रखा कर, जब भी कोई चीज खरीदनी हो तो पहले उसे खा कर देखते हैं। अगर अच्छी लगे तो खरीद लो और अच्छी ना लगे तो मत खरीदो। ठीक है अम्मी जान, ऐसा ही करूँगा। अब मैं समझ गया, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शेख चिल्ली। हाँ अम्मी जान। बेटा मुझे कपड़े धोने हैं, ये ले पैसे और दुकान से जाकर कपड़े धोने का साबुन ले आ। ठीक है अम्मी जान, कपड़े धोने का साबुन अभी ला रहा हूँ। अम्मी जान ने कहा था कि दुकान से सामान खरीदते समय खाकर देखना चाहिए। सेठ जी, मुझे कपड़े धोने का साबुन लेना है। क्यों नहीं भाई साहब, आपकी ही दुकान है, ये लीजिए साबुन। नहीं नहीं सेठ जी, साबुन ऐसे नहीं लूंगा। ऐसे नहीं लोगे तो फिर कैसे लोगे भाई साहब? पहले मैं साबुन खाकर देखूंगा। खाकर देखोगे? बिल्कुल खाकर देखूंगा। अजीब आदमी है, लगता है पागल है। लाओ सेठ जी, पहले थोड़ा सा साबुन खाने के लिए दो। ये लो भाई साहब। ये तो खराब है सेठ जी, दूसरा साबुन दिखलाओ। ये लीजिए सेठ जी, ये भी साबुन आपका कड़वा है, और साबुन हो तो दिखलाओ। लो भाई साहब। सेठ जी हमारे पैसे दे दो, ये साबुन आपका ठीक नहीं है। क्यों भाई साहब, क्या आप साबुन नहीं लेंगे? नहीं नहीं सेठ, तुम्हारे किसी साबुन में भी स्वाद नहीं है। अगर इस साबुन को ले गया तो अल्लाह की कसम अम्मी बहुत मारेंगी। कोई बात नहीं भाई, ये लो अपने पैसे। अम्मी जान, अम्मी जान। आ गया बेटा। हाँ अम्मी जान। पर साबुन कहाँ है? अम्मी जान साबुन तो मैं लाया ही नहीं। क्यों, क्यों नहीं लाया साबुन? अम्मी अम्मा चालाक हो गया हूँ, वो दुकानदार है ना, उसने मुझे खराब साबुन दे दिया। अच्छा। हाँ अम्मी। फिर मैंने उसके साबुन को खाकर देखा। साबुन को खाकर देखा? हाँ अम्मी, उसका साबुन बिल्कुल कड़वा था, उसने मेरा तमाम मुंह फाड़ दिया। देखो देखो। अरे नामुराद, मैंने तुझसे साबुन खाकर देखने को कहा था क्या? अम्मी जान तुमने तो कहा था कि चीज खरीदने से पहले खाकर देखनी चाहिए। हाय अल्लाह, तूने इसे मेरे ही नसीब में लिखा था।
चला जा मेरी आंखों के सामने से। शेख चिल्ली ओ शेख चिल्ली, शेख चिल्ली ओ शेख चिल्ली। आए अम्मी जान। जी अम्मी जान। कल मुए यह कंचे खेल रिया है, घर का कुछ ध्यान है कि नहीं? अम्मी जान मैं बस नुई। ये ले और जंगल से ढोरों के लिए घास ले आ। ठीक है अम्मी जान, मैं अभी घास ले आता हूँ। अरे मियाँ शेख चिल्ली, तुम यहाँ कैसे? मियाँ हम घास लेने आए हैं। अच्छा ये तो बढ़िया, एक से दो भले। लग जाओ मियाँ घास काटने। ठीक है मियाँ, लग जाते हैं। क्यों मियाँ, घास काटने में क्या मन नहीं लग रहा? मियाँ एक बहुत काम की बात है, बताने आया हूँ। काम की बात? हाँ मियाँ काम की बात है, ऐसी बात है जिससे रातों रात मालामाल हो जाएंगे। अभी मियाँ किसी के घर में डाका वाका डालने का विचार है क्या? अरे नहीं मियाँ। तो फिर बस जिस काम को कर रहे हैं उसी काम से मालामाल हो जाएंगे। तुम्हारा मतलब है कि घास काटने से? हाँ मियाँ, हाँ घास काटने से। तुम भी मियाँ कैसी बातें करते हो, भला घास काटने से मालदार हो रहे हैं? मियाँ कलुआ, हमारी इस घास की बाजार में बहुत बड़ी कीमत है, इससे हम बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे। तुम मेरी बात सुन लो। सुना दो मियाँ। तो लो सुनो। मेरे भेज में ओ, 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 मेरे भेज में आई बात बताऊं कलुआ, नोट हम खूब कमावे, इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया चलो व्यापार चला में। मेरे भेजे में आई बात बताऊं कलुआ, नोट हम खूब कमा में। कलुआ भैयान मैं ठीक कह रहा हूँ? अबे मियाँ बड़ी माकूल बात कह रिया है, मजे आ जाएंगे। अच्छा पैदा भी खूब होती घास अपने देश में, करके इकट्ठी इसको पहुँचाए विदेश में। पैदा भी खूब होती घास अपने देश में, करके इकट्ठी इसको पहुँचाए विदेश में। बिन पैसे के व्यापारी होकर दोनों भैया मुफ्त का लाभ उठाएं, इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया चलो व्यापार चलावें। अभी मियाँ जब इतना पैसा हो जाएगा ना तो मैं तो चार चार बेगम रखूंगा। सोच लो भैया। भाईजान सोच ली, मैं तो चार चार रखूंगा। हल्द लगे ना फिटकरी, रंग चोखाए चोखाए। क्या रख लेंगे पास अपने चार चार नौकर, पूर्ति ना होगी इतने आएंगे ऑर्डर। रख लेंगे पास अपने चार चार नौकर, पूर्ति ना होगी इतने आएंगे ऑर्डर। अमरीका हम अमरीका जापान रूस और चीन भेज कर चौगुना पैसा पामे, इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया चलो व्यापार चलावे। विदेशों में भी भाईजान बड़ी मांग है। तो बड़ी अच्छी बात करूँ मियाँ, हमारे देश में घास होती बहुत है,
कोठी बंगला मोटर गाड़ी होगी पास अपने, माला माल होंगे पूरे हो जाएंगे सपने। कोठी बंगला मोटर गाड़ी होगी पास अपने, माला माल हो जाएंगे पूरे होंगे सपने। हम करें तरक्की ओ, हम करें तरक्की मान ले पक्की दोनों भैया, रात दिन मौज उड़ा में इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया, चलो व्यापार चला में। अबे मियाँ जब इतना पैसा हो जाएगा ना तो बुलंदशहर में सिनेमा हॉल खोलूंगा। मैं तो फ्री में फिल्म देखने आऊंगा, मैं टिकट ना लूंगा। क्यों नहीं मियाँ, परियों से भी बढ़ के सुंदर आएगी बीवी, डबल बेड ड्रेसिंग टेबल लाएगी टीवी। परियों से भी बढ़ के सुंदर आएगी बीवी, डबल बेड ड्रेसिंग टेबल लाएगी टीवी। संग भूपेंद्र सुन ट्रैक पहुँच कर दोनों भैया, रसीले गीत सुना में इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया, चलो व्यापार चला में। मेरे भेजे में आई बात बताऊं कलुआ, नोट हम खूब कमा में इन खेतों से ही घास काट कर दोनों भैया, चलो व्यापार चला में, चलो व्यापार चला में, चलो व्यापार चला में।